मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 41 स्थित गौशाला नगर क्षेत्र में सीवर लाइन चौक हो जाने के चलते सड़कों पर गंदे पानी का जल भराव हो गया है। काफी शिकायतों के बाद भी नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम की लचर कार्य प्रणाली के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि सड़कों पर जल भराव के चलते बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का राह चलना और गुजरना भी दूभर हो चुका है। वहीं गंदगी के चलते बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से समस्या के समाधान की मांग की है। प्रदर्शनकारी विजय शास्त्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ब्रजेश शास्त्री जी, आपने ये प्रदर्शन इसलिए किया है कि सारी कॉलोनी वासी ये समस्या से परेशान है। पानी भर रहा है, गटर का पानी आ रहा है, घरों में पानी भर रहा है। अभी भी 10 घर ऐसे हैं जिनमें पानी रेगुलर डेली जाता है। लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, रोज स्कूल जाते हैं, बच्चे गिरते पड़ते हैं, परेशान होते हैं। ये पानी भर रहा है, मच्छर हो रहे हैं, हजारों प्रकार की बीमारी है, बीमारी फैल रही है यहाँ पर। DM साहब से शिकायत हो गई, नगर निगम में भी काफी प्रयास किया, शिकायत की, लेकिन कोई नहीं हुआ। प्रदीप माथुर जी विधायक थे उस समय भी काफी शिकायत की जाकर के, लिखित में भी काफी प्रयास किया दिया, लेकिन हेमा मालिनी जी सांसद हैं हमारी बिचारी, उनके लिए भी हमने काफी प्रयास किया पहुंचने का, लेकिन उन तक हम लोगों को लोग पहुंचने नहीं देते हैं। और यहाँ की समस्या के लिए कोई इसका समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारे मेंबर साहब हैं पवन यादव जी, उन्होंने काफ़ी अधिक प्रयास से, उन्होंने बेचारे ने काफ़ी सहयोग से काफ़ी काम भी किया बेचारों ने। उनका प्रयास भी है कि अच्छा कार्य हो, पानी निकले, गटर सफाई हो, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन बेचारे यादव जी क्या करें पवन जी, उनके पास कर्मचारी नहीं है, आदमी आते नहीं है नगरपालिका से। आगे की जो सीवर लाइन पड़ी हुई है, इससे आगे जो है कॉलोनी से आगे, उसकी सफाई नहीं होती ठीक से। थोड़ी शिकायत करते हैं, दो लोग आ जाते हैं, पानी निकाल के चले जाते हैं। आगे अगर हमारे हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो सभी लोग नगरवासी, कॉलोनी वासी सभी लोग एकत्रित होकर के इसके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आगे और शिकायत बढ़ाएंगे इसके लिए। और अगर ज़्यादा इससे नहीं हुआ तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, यहाँ पर भूख हड़ताल कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और लेटरिन का पानी उफन रहा है, अभी आप चाहें तो आपको घर दिखा सकते हैं। चलिए, नाम है आपका? अभय चंद्र शास्त्री। अभय जी, जो आपने प्रदर्शन किया, क्यों किया आपने? साहब, यहाँ सड़कों पर जल भराव है, मकानों में जल भराव है और मच्छरों से परेशान हैं। बाहर से भी पानी इस मोहल्ले में आता है लेकिन पानी कहीं निकलने का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए सारे प्राणी यहाँ के दुखी हैं। हम बीमार हैं, बच्चे सब बीमार हो रहे हैं, मच्छर इतना खा रहे हैं, इतनी गंदगी का आलम है यहाँ जो कह नहीं सकते। गंदगी नहीं करी इसकी कई बार? हाँ, हमने DM के यहाँ भी करी और जो अभी नगर अध्यक्ष हैं नगर निगम में भी किया है। जगह माथुर जी विधायक थे उस समय भी हमने शिकायत की थी और काफी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।